अपन कहां तक पहुंचे आपको याद है? विश्वास, बराबर समझना परमेश्वर को क्या करना है, समझने के पहले तक क्या कर दिया हम पहुंचे, बराबर समझ कितना विश्वास परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर को हम जितनी प्रकार समझते हैं विश्वास करते हैं उसके बारे में हम देखा था। क्योंकि हम कहां से आया पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, आपको बताया कि आज आगे चले जाते लेवी, लेवी दसवां अध्याय पहले वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसके आगे यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। हमारा टीम पढ़ो। अरोनाचे मुलगे नादाब व अबीहू यांनी आपापली दुपाटणी घेऊन त्यांत अग्नि घातला आणि त्यावर धूप घालून तो अशास्त्र अग्नि परमेश्वरासमोर नेला। असा अग्नि नेण्याची परमेश्वराची आज्ञा नव्हती। तेव्हा परमेश्वरासमोरून अग्नि निघाला व त्यांनी त्यांस भस्म केले आणि ते परमेश्वरासमोर मरण पावले। या बाबतीत मोशे अरुणाला म्हणाला, परमेश्वराने सांगितले ते हे की जे माझ्याजवळ येतील त्यांना मी पवित्र असल्याचे दिसून येईल आणि सर्व लोकांसमक्ष माझे गौरव होईल। तेव्हा अरुण चुप राहिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आणि त्रयकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके शरण स्थान हम लोग खड़े। मेरा प्रेमी परमेश्वर, मेरा दयालु परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु अनुग्रहकारी अभी जीवित परमेश्वर, प्रभु हालेलुया, आपने हमारे लिए किमें दिलाकर आपसे छुड़ाकर आपके परिवार में एक बनाकर आपके साथ हम आनंद होने के लिए एक विधि के अनुसार चलने के लिए लोगों के सामने परमेश्वर एक ऊंचे परमेश्वर एक संतान बनाकर हमें ऊंचे एक जात बनाकर हमें चला कर ले क्या रहा परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हालेलुया, आप प्रभु आज भी दयालु परमेश्वर आपने मनमाना भोजन से हमें तृप्त करे। प्रभु आपके पास से छोड़कर हम कहां जाएंगे, आपके पास जीवन का बात है ना परमेश्वर, आप सिखाइए परमेश्वर प्रभु हालेलुया, तभी हमारा आत्मा उत्तेजित होगा, आपके साथ हमने चल पाएंगे परमेश्वर। मेरा बेड मेरा आवाज पहचानता है और मेरे पीछे पीछे चलता है, मैं उसका आनंद जीवन देता हूँ, मैं उसे मेरा पिता का आशीर्वाद कोई नहीं छीन सकता है करके आपने प्रभु कहा। प्रभु आप परमेश्वर, प्रभु आपका बेड आपका आवाज पहचान लेता है परमेश्वर, आपका पीछे पीछे हो लेते परमेश्वर प्रभु हालेलुया। ऐसा ही हम लोग परमेश्वर प्रभु आपका आवाज पहचान कर, मेरा परमेश्वर का आवाज है, मेरा परमेश्वर का आवाज ऐसा ही रहेगा समझ कर हम लोग चलने के लिए कृपा दे परमेश्वर। आज हम वचन सीखने के लिए जा रहा है, दयालु परमेश्वर प्रभु इस वेदों का हमारे लिए कॉल कर दे आप प्रभु, हमारा हरेक जन को परमेश्वर परिपूर्ण से हमारा आप प्रभु हालेलुया मन भरावा, हम प्रभु भोजन हमारे लिए लाए अनुग्रह कर, सारे कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चलाइए आप सिखाइए, प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी। फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसके आगे यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने आगे से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी दुपाटणी घेऊन त्यात अग्नि घातला आणि त्यावर धूप घालून तो अशास्त्र अग्नि परमेश्वरासमोर नेला। असा अग्नि नेण्याची परमेश्वराची आज्ञा नव्हती। तेव्हा परमेश्वरासमोरून अग्नि निघाला व त्याने त्यांस भस्म केले आणि ते परमेश्वरासमोर मरण पावले। या बाबतीत मोशे अरुणाला म्हणाला, परमेश्वराने सांगितले ते हे की जे माझ्याजवळ येतील त्यांना मी पवित्र असल्याचे दिसून येईल आणि सर्व लोकांसमक्ष माझे गौरव होईल। तेव्हा अरुण चुप राहिला। इस वचन का वचन को ही हम क्या किया था, थोड़ा तीन से हमने देख किया था, ताकि
परमेश्वर तीसरा वचन पढ़ हिंदी में। तब मूसा ने आरुण से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि, वही बात है यहोवा ने कहा था कि, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। पहले पवित्र जाने जो मेरे पास आता है, परमेश्वर बोलता मुझे पवित्र जाने और सारे जनता के सामने भी पवित्र करके क्या करना है, प्रकट भी करना है। अगर नहीं किया है तो क्या किया जाएगा। इधर नादाब अबीहू आरोन को दो पुत्र क्या किए थे परमेश्वर, दोनों याजक थे, याजक का पुत्र था, दोनों परमेश्वर का काम के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था, अभिषेक किया था, उसी दोनों जन क्या किए थे परमेश्वर के सम्मुख में आने के समय अन्य आग लेके आने के कारण क्या किया गया था, मारा गया था। तभी परमेश्वर बोलता है मेरे पास जो आएगा पहले वो मैं पवित्र करके क्या करना है जाने, और उसके बाद में क्या करना है लोगों के सामने क्या करना है, मैं पवित्र करके क्या करना है, अम्मी क्या करना है दिखाना है। नहीं तो नादाब अबीहू को देखो परमेश्वर कभी ना बदलता, ये नहीं कि जूना करार में अलग परमेश्वर क्या, तो परमेश्वर के साथ क्या करना है, परमेश्वर के पास आने वाला है, याद रखो परमेश्वर के पास आने वाला पहले क्या करना, परमेश्वर पवित्र करके क्या करना है, खुद जानना है हम क्या करना है, सेनाओं का यहोवा कौन है, पवित्र है बहुत पवित्र करके मंदिर के देवड़ी क्या करता था, हिल रहा था स्वर्गदूतों का आराधना को देखा है। तो कोई परमेश्वर पवित्र है तो ये पहले तू जानना है, समझ गया, ये नहीं कलिसिया में आएगा परमेश्वर क्या है आशीर्वाद देने वाला है, चंगाई देने वाला है, सब देता है वो क्या है, दूसरा बात परमेश्वर दे दिया है सब, मतलब बात में पहले आपको बता दिया है आशीर्वाद देने वाला। आज सबसे बड़ा आशीर्वाद जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, जिसके साथ परमेश्वर जीता है, जिसको परमेश्वर किसके साथ परमेश्वर क्या क्या है, अब मंदिर है, मंदिर में वास है, सबसे बड़ा आशीर्वाद उसके वो है। संसार का जो भी धन दौलत क्या किया जाता है उड़ जाता है, नहीं तो मरने के बाद में क्या नहीं करता, साथ में आता है नहीं आता है, अकेले ही जाना है, नंगने ही क्या करना है जाना, कोई आशीर्वाद आपके साथ नहीं आएगा, वो आशीर्वाद है ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद वचन बताता है, मुझसे बताने के समय व्यस्त में जो उतर पाया हुआ इसरा तेरा तुल्य कोई भी नहीं है, तेरा समान कोई भी नहीं है, इतने बड़े आशीर्वाद लोग हमें, इसलिए क्या नहीं करना है, कलिसिया में आने वाला परमेश्वर के पास आने वाला क्या नहीं सोचना है, मेरा आशीर्वाद के लिए आया है, चंगाई के लिए आया है, चमत्कार के लिए आना है, समस्या दूर होने के लिए आना है, ये होना वो नहीं। सबसे बड़ा वचन क्या बताता है, मेरे पास आने वाला मैं पवित्र है करके तुम क्या करना है जानना, मैं पवित्र है करके क्या करना है जानना, पवित्र बोले तो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड, इसका क्या नहीं उतना उसका ट्रांसलेशन नहीं है, फिर भी अलग सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है, संसार से, पाप से, अशुद्धता से, घृणा से, सबसे क्या है अलग, वो क्या है सबसे अलग है, मैं पवित्र हूं, संसार पूरा क्या पाप में पड़ा है, सब पापी जीवन है, पाप के अंदर क्या कर रहा है जीवन बिता रहे, सबसे ये संसार में बनाया हुआ उनका सृष्टि के जैसा किसी के जैसा भी उसने क्या नहीं है, मैं पवित्र हूं, मैं अलग, समझ गया ना, इसलिए बोलता मुझे कोई मूर्ति भी बनाकर क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बना हुआ सृष्टि इसके समान में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, समझ गया, ये सब क्या करना है समझ कर हम क्या करना, इसलिए बोलता मैं कौन है पवित्र है, मेरे पास आने वाला मैं अलग करके क्या करना है, क्या करना है, संसार में तेरे वाला बुलाएगा, आओ तेरे को आशीर्वाद देता है, चंगाई देता है, ये देता है, वो देता है, समाधान देता है, सब बोलेगा, लेकिन परमेश्वर का पाप बोलता मैं अलग है, वो सबसे क्या है, मैं अलग है, वो सीधा बोलता है मैं समाधान तेरे के लिए नहीं आया हूँ, संसार वाला क्या बोलेगा, आ जा तेरा आशु क्या किया जाएगा, तेरा आशु पहुंचा जाएगा, तेरा समस्या दूर हो जाएगा, तेरे को आशीर्वाद दिया जाएगा, समझ गया, तो मैं क्या नहीं करता, संसार बोलेगा तेरे को समाधान देता है, तेरा आशु पहुंचा जाएगा, तेरे को चंगाई किया जाएगा, तेरा पति दारू नहीं पिएगा आज से, तेरे को मैं उसी चर्च में आता संडे, वो बोलता है तू जो भी तेरे से निकल गया ना
यीशु मसीह क्या बोलता, तू मेरे पास आएगा तू खुद को भी क्या करना पड़ेगा, खुद को भी क्या करना पड़ेगा, इनकार तू खुद को भी नहीं देखा तो मरा हुआ हालत में आना। देखो वह क्या बोलता है, मैं तेरे को भविष्यवाणी से कहता हूँ तू जो भी पाया उसको वापस ऐसा लौटा देगा। ते बोला अच्छा है, लौटेगा। जो नया करार में जाता ही नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, यीशु मसीह के पास आने पहले आने के बाद क्या करना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा है ना, नहीं पाएगा नहीं क्या करेंगे, होना पड़ेगा। कोई तो ना तो वो अरुण दरवाजा के अंदर से आप चल पाओगे नहीं, सब आप इधर 15 इधर 15 कल्ले में सर पे 15 कल्ले में 15 ताकि वो अरुण दरवाजे के अंदर जाओगे जाओगे नहीं। हमको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं पवित्र। संसार हजार बताएगा लेकिन क्या नहीं करेगा, मैं सबसे अलग है। सीधा बात है, समाधान देने के लिए नहीं आया मैं, समझ गया। जो सच्चाई से चलने वाला मेरा आवाज क्या करता है, पहचान लेता है। जो सच्चाई से चलने के लिए जिसको मन है वो क्या कर लेता है, मेरा आवाज पहचान लेता है। मेरा बेड मेरा आवाज क्या कर लेता है, पहचान लेता है, वो मेरे पीछे पीछे चलेगा। सच्चाई के ओर पे गवाही देने के लिए मैं क्या किया, मैं भेजा गया हूँ। मेरा परमेश्वर क्या है, सच्चा और सत्य है, उसके बारे में गवाही देने के लिए मैं क्या किया गया, भेजा गया है। इसलिए क्या बताया था, मैं पवित्र, मेरे पास जो भी आएगा वो पहले क्या जाना, जानना मैं पवित्र है करके तुम जानना पहले, उसके क्या करना, फिर लोगों के सामने क्या करना है, प्रकट भी करना है मेरे पवित्र परमेश्वर क्या है, पवित्र है। लेकिन इधर परमेश्वर नियुक्त किया हुआ हारून का याजक का पुत्र क्या नहीं किया है, अन्य चीजों के लिए किया गया था। इसलिए अन्य आग क्या करके एक पहले बता ही दिया था, वो वचन ही बता रहा है ताकि तुम नव पढ़ो, नौ दस के नौ। जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमद पिए हो ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। मर जाओ मराठी सेवा सेवा तुम्ही म्हणजे तू व तुझे मुलगे दर्शन मंडपात जाणार तेव्हा तुमच्यापैकी कोणीही द्राक्षरस अथवा मद्य पिऊ नये, प्याल तर मराल, हा तुमच्यासाठी पिढ्यान पिढ्या निरंतरचा विधी होय। विधी विधी दिया, तू क्या नहीं करना, कोई नशेली चीज क्या करना नहीं, तेरा पास रहना नहीं। तो नशेली चीज क्या करके आपको बता ही दिया था, वचन के साथ बताया था नशेली क्या है। संसार से मतवाला ना होकर इसे पवित्र आत्मा से क्या करना है, मतवाला बनना, पता ही दिया था ना। संसार से मतवाला नहीं बनना है। अभी हम विश्वासी क्या करता है, संसार से मतवाला होकर मतलब संसार के साथ मित्रता रखकर बपतिस्मा लेने के समय हम क्या कहता है, पाप तो पहले क्या करता है, परमेश्वर छुड़ा दिया, शैतान संसार से क्या करता है, अविदा होकर बपतिस्मा लिया है। संसार के साथ हम क्या नहीं करना है, फिर मित्रता नहीं रखना, संसार के साथ मतवालापन नहीं होते हुए पवित्र आत्मा से क्या करना है। वचन पढ़ो एफेसी 5:18। दाखरस से मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होना और संसार से क्या नहीं करना है, इन्हें अच्छी तरह से निकाला है। इसलिए पहले पॉइंट ये बहुत आपको बताई दिया पता दिया है, दूसरा पॉइंट बता दिया था, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के समय तो संसार से मतवाला, संसार से बोला था संसार के सारे, अभी उतार पाने के लिए मैं जैसा जैसा चला, आज भी चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चलते हुए, इसलिए पहले ही आपको बता दिया, विश्वासी परमेश्वर ग्रहण करने बाद आपको क्या दिखना है, बपतिस्मा लेने बाद यीशु मसीह ही दिखना है, पहले का चीज क्या नहीं करना है। इसलिए समस्या हो बीमारी हो कष्ट हो तकलीफ हो उसमें कौन ही दिखेंगे, पहले का जैसा क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा बताओ, पहले का जैसा नहीं दिखेंगे। पहले किधर जाके खड़ा रहते थे, दवाखाना, आप बताओ वो दवाखाना डॉक्टर क्या करता है, तंबाकू खाता है, दारू पीता है, गाली देता है, झगड़ा करता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, उसके पास वो छुटकारा देता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर छुटकारा नहीं देता। आपके जीवन में क्यों बदलाव नहीं होती है,
दिया, उसके बाद जाके कोड़िया मांग रहा था। क्या मांग रहा था? कोड़िया मांग रहा था। कितना मार खा गए लो, तीन दिन परमेश्वर को उपस्थित था। दूसरा क्या किया था? दवा छोटा यह जाकर क्या कहता, उसके बाद दवा मांग रहा, मतलब क्या तुम्हारा विश्वास? आप समझ रहे? नहीं समझता? परमेश्वर से वो बड़ा बन गया, वो दारू पीने वाला, तंबाकू खाने वाला तुमको छुटकारा दे सकता, पवित्र परमेश्वर छुटकारा नहीं दे सकता। आपका चाल चलन क्यों बदलता नहीं है? आप कौन सा बपतिस्मा लिया? संसार से क्या कर मतवाला होकर कुछ भी समस्या आएगा किधर नहीं पहुंचना। सारे समस्या का संपूर्ण किसके पास है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। वो बोलता है मनुष्य से नहीं होगा, मेरे से होगा। असंभव परमेश्वर सा कुछ भी नहीं है। सारे चीज क्या है? संभव है। और सृष्टि करता है। आपके अंदर कोई भी पार्ट्स भी है ना, कलेजा हो, आपका किडनी हो, सड़ गया तो उसको वापस रिजाने के लिए किसके पास ताकत है? उसी परमेश्वर के पास ताकत है। वो सृष्टि करता है। आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं? संसार के साथ आपको क्या है? संबंध रखना। उसी ऐसा लोगों के साथ क्या करना? संबंध मेल होकर आप क्या करते हैं? समझौता कर आप क्या करते हैं? समझ गया? छोटा छोटा उदाहरण आपको बताता है, इसलिए क्या करना नहीं है। संसार के साथ सारे मतलब बहुत बातें हैं। अब एक एक बात आपको, पहले संसार वाला जैसे चलता है वो चीज आपके पास नहीं दिख रहा। ये मैं आपको पहले सब बता दे दिया, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, याजक परमेश्वर के पास जाने के टाइम याजक बोले तो कौन है बता? याजक कौन है? आरोन और मोसे। याजक कौन है? मैं बोला अम कौन है? प्रकटीकरण 5:9 जल्दी। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। प्रकटीकरण 5:9-10। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। ओके ना, तू गुंडाळी घ्यावास व तिचे शिक्के फोडाव्यास योग्य आहेस, कारण तू वधीला गेला होतास। तू वधीला गेलो होतास आणि तू आपल्या रक्ताने सर्व वंश निरनिराळ्या भाषा बोलणारे लोक व राष्ट्रे, लोक निरनिराळ्या भाषा बोलने वाला और लोक व राष्ट्रे यामधून आमच्या देवासाठी विकत घेतले आहे। आमच्या देवासाठी लागू से क्या विकत घेतला आहे? आणि आमच्या देवासाठी त्यास राजा व याजक असे केले आहे। हो गया। राजा और याजक कोण है? रमेश याजक कोण है? ಅವರು ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆ, ನೀನು ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಕಲ ಕುಲ ಭಾಷೆ ಪ್ರಜೆ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿ, ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಿ। लहु से खरीदा हुआ भाषा गोत्र वाला भिन्न भिन्न भाषा पर करने वाला लोगों से क्या किया है? लहु से हमें क्या बना दिया है? खरीदा हुआ अनेक जन परमेश्वर के याजक और राजा। अभी याजक परमेश्वर के सम्मुख में हम सब कौन है? अनेक जन कौन है? याजक, राजा और याजक। अभी याजक परमेश्वर के सम्मुख में जाने के समय क्या करना नहीं है? लोह के समान संसार के साथ लगाओ मतवाला नहीं रहना। एक पॉइंट रहेगा तो क्या किया जाएगा? नादाब अबीहू के जैसा
जाएगा, मारा जाए, आत्मा में आपको मार कर रखा जाएगा। शरीर में आप क्या कर सकता है, आधा बजे सा ये दिन बाटी कैसे बाहर आ सकता है, लेकिन आत्मा के तौर क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, पूरा भी कभी भी क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। हम याजक है, हम क्या करना है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र करके क्या करना है, लोक दिखाना है, क्योंकि हमको परमेश्वर हम पापी थे, पापी में से लेकर पवित्र बनाकर हमें लेके आके कलीसिया में रखा है, इसलिए हमको मालूम है मेरा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि मुझे उन्होंने क्या किया है, पापी में था उधर से क्या क्या उधर लव से पवित्र करके मुझे लेके आके कलीसिया में रखा है, हमको मालूम है, इसलिए मुझे पवित्र करके पहले जानना, लोगों को भी तुम्हें क्या करना पता है ना। इसके अलावा तू संसार में मिलाव होने वाला जीवन बिता कर मेरे समीप में आएगा, उधर क्या किया जाएगा, जरूर मार खाया जाएगा। इसलिए संसार से मतवाला, मतवाला समझ गया ना, मतलब नशे में, संसार का नशे में पढ़कर समझ गया, नशा नशा करने वाले को बोलो एक दिन दो दिन छोड़ेगा, नहीं करना नहीं करेगा, तीसरा दिन वो नशा करेगा ही करेगा, नशा पूरा क्या करता है, भर रहता है नशा, बोले तो 24 घंटा वही उसके अंदर क्या किया जाएगा, वो इसके लिए जिएगा, वही उसके अंदर क्या किया जाएगा, मारा रहेगा, तो इसलिए वैसा रहेगा, मार जरूर खाओगे, फिर क्या नहीं करेगा, हमारा आत्मिक जो ना उन्नति नहीं आएगा, आप जितने भी प्रार्थना करो उन्नति नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट बताया गया था याजक होने के कारण हमारे लिए हम क्या करना पड़ेगा, बलि चढ़ाने पड़ेगा, समझ गया ना। इधर याजक एक वचन पढ़ो, नौ का आठ पढ़ो, सात सात पढ़ो, सात नौ का सात, लेवी नौ का सात, लेवी नौ का सात। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। फिर से हिंदी में बराबर सुनो। तब मूसा ने हारून से कहा, मूसे हारून से कहा है, यहोवा की आज्ञा के अनुसार, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर, वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर, पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने लिए, बस पहले क्या करना है, याजक क्या करना पड़ता है, परमेश्वर उपस्थिति में जाने के पहले अपने लिए क्या करना पड़ता है, पाप बलि होम बलि चढ़ाना, ये भी मैं आपको अच्छी तरह बताई दिया, पाप बलि होम बलि उसके अंदर धन्यवाद का बलि और स्वेच्छा का बलि, ये सब आपको सिखाया बराबर, ये सब चढ़ाएगा नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, आप क्या किया जाएगा, परमेश्वर उपस्थिति में जाने पर क्या किया जाएगा, नादाब अभियु के समान मारा जाएगा, समझ आ, समझ आ, क्यों परमेश्वर उपस्थिति में हम मार खाते हैं, परमेश्वर उपस्थिति में जाने के समय हम कैसा जाना, दूसरे धर्म वाला को देखो कितने भय के साथ भक्ति के साथ क्या करता है, इधर से टोच की जाता है, इधर से टोचता है, एक एक महीना टोच के हिसाब से क्या खाता होगा, वो आंख में टोचता है, नाक में टोचता है, बिना चप्पल से क्या करता है, नंगा पैर से कितना किलोमीटर चलते हैं, अब उधर जाके मिट्टी के अंदर खाना चावल डालते हैं, ऐसे ही खाते हैं, क्या क्या नहीं, कितना दिन उपवास रहते हैं, हम एक ही दिन उपवास रहते हैं, हम एक ही दिन उपवास रहने कितना कठिन लगता है, और कितने दिन उपवास रहता है, हमारे पास भय है, वो लोग देखो कुछ भी नहीं है, वो आप देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसके लिए क्या करता है, इतना भक्ति दिखाते हैं, हमारे पास कौन सा भक्ति है बताओ, लेकिन इधर क्या बताता है, परमेश्वर उपस्थिति में जाने के पहले हमारे लिए क्या करना है, कभी भी याद रखना हम पापी हैं, हम कौन है, पापी इंसान, हमारे पर यीशु मसीह पहनने के कारण हमारा पाप नहीं दिखाई पड़ता है, हम पापी हैं, कभी वो निकल गया यीशु मसीह पापी इंसान क्या कर लेता है, दिखाई पड़ेंगे हम पापी हैं, ये क्या किया जाता है, पाप बलि और क्या चढ़ाना, होम बलि चढ़ा कर ही क्या करना, फिर दूसरे के लिए तुम क्या करना है कर सकता है, इसलिए हम पहले परमेश्वर को सीने जाने वाला पाप बलि होम बलि क्या करना नहीं चढ़ाएगा, हम मारा जाए, इसलिए परमेश्वर उपस्थिति में आने के टाइम हमारा आत्मा को दुखी करना करके वचन बताता है, हम परमेश्वर उपस्थिति में आते कभी हम रोते हैं, प्रभु एक हफ्ता पूरा मैं कैसा कैसा चला हुआ, आप मुझे लव से खरीदा,
एक हफ्ता भर कर मैं कैसा कैसा जिया परमेश्वर, मैं प्रार्थना नहीं कर पाते, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं वचन नहीं पढ़ता, मैं संसार के लिए कितनी दौड़ दौड़ता, परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। पर कभी आपका आंख से आंसू आता है, आप रोता है, पाप बलि चढ़ाता, होम बलि चढ़ाता, आप कभी परमेश्वर को कुछ चढ़ाया? इसको बारे में बहुत सिखाया आपको, मैं पॉइंट पॉइंट आते हैं, ये सब आपको सिखाया रहेगा ना। आप घुटने डालते, आपको आराधना कर करके बोलने जरूरत नहीं, गीत बोल करके बोलने जरूरत नहीं, आप खुद क्या करेंगे, हृदय को तोड़ कर, मैं पापी हूँ, मैं हृदय को तोड़ कर पीस कर आप क्या करें, आप से क्या करें, पानी नहीं आएगा, खून आएगा, खून आएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और निष्कलंक निष्पापी तीसरा स्वर्ग में रहने वाला, हमारा पाप के लिए क्या करना पड़ा, मनुष्य का रूप आप मानता परमेश्वर के लिए, निंदा था, आकर क्या किया है, मेरे बच्चे पाप किया, मैं उसके लिए क्या करेगा, प्रायश्चित देगा, आकर आज हमको छुड़ा कर आज क्या किया रखा है, शैतान के हाथ से संसार से हमें छूने नहीं करके हम क्या कर रखा है। तो बार बार जाकर रुट बो गए पाप में संसार में, होएगा तो हमको महसूस नहीं होता, हम रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे जब तक वापस उसमें आकर नहीं बैठेगा, हमको महसूस ही नहीं। याद रखो परमेश्वर पवित्र उपस्थित में जाने थे, स्वर्गदूत स्वर्गदूत क्या करता है, केरा बिन सेरा बिन उनको आराधना करता है, दो पंखों से क्या करता है, उनको मुंह को ढाप लेता, वो पवित्र है, हमारे जैसा पापी नहीं है, वो बनावटी पवित्र है, दो हाथ से मुंह को ढाप लेता है, दो पंखों से पैर को ढाप लेता, परमेश्वर मेरा पंख और मुंह भी मैं दिखने के लिए क्या नहीं है, ये पैर भी दिखने में योग्य नहीं है, आपको मेरा मुंह से नहीं देख पाएगा, दो पंखों से उड़ उड़ कर सेनाओं के वो पवित्र पवित्र करके क्या करते हैं, इतना धन मन से क्या कर रहा है, आराधना करने के समय मंदिर का ढेर हिल गया, अमर मुंह से शब्द निकल, अमर का किस 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 मारा ऐसे कोड़ी हिलता है, क्या बोलता मारा ऐसा हिलता है, कल ताना बोले टे ऐसा, यही यही आपको करदा में लहू का यही बदलाव, यही आपको मन से इतना परिवर्तन है, आप घुटने डालते हुए आप आंसू क्यों नहीं भर रहा, आंख क्यों नहीं भरता, ताकि क्या है याजक परमेश्वर उपस्थिति में जाने वाला आप पाप वाली हो पर नहीं चढ़ा रहा है, जरूर मारता आंख की पेड़ ऐसा, हम क्या करता ऐसा बैठता ताकि मैं परमेश्वर मैं मारा गया, ऐसा ये सब से आप लोग बैठते हैं, परमेश्वर नहीं मारा गया, तीसरा स्वर्ग छोड़ के इतना पापी संसार के लिए लहु बगाने के लिए क्या क्या नहीं किया उनको, क्रूस को आप थोड़ा झांक कर देखो, क्रूस के पहले से उन्होंने सभा में लेके गया उधर से उसका आलम क्या हो रहा, आप थोड़ा देखे पर जन्म से लेके देखे किधर उनका जन्म हो गया, उनका छालना क्या है, क्या क्या करके 33.5 साल इस संसार में निकाला मेरे लिए, आप ये सोचेगा अब जरूर आपके जीवन में आप रोज आपको जांचेंगे, प्रभु मैं सवेरे तक शाम तक किसी प्रकार ये पाप रहा संसार में जिया, मेरे जीवन में क्या क्या चिपका परमेश्वर, मेरे जीवन में यही चीज हो गया, मुझे क्षमा कर वापस दो, आराधना किसके लिए, आपको धोने के लिए, आपको 6 दिन में आपको उदार के वस्त्र में लगा हुआ वो आपको धोने के लिए आराधना होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन हम आते हैं क्या था 11 बजे, आपको कौन सा धोया जाता है, हर दिन धोवा घर में बैठकर हर दिन शाम को होएगा, प्रभु आज इतना मुझे संभाला मेरे जीवन में क्या क्या होगा, धोते हैं अब पाप पर चढ़ाते हैं, हो पर चढ़ाता है नहीं, याद रखो परमेश्वर उपस्थिति बोलता है मुझे मेरे पास जो आने वाला पवित्र करके मुझे जान, लोग पहले दिन नहीं है मार खाओगे, आत्मा में मारा जाएगा, तो जितना भी आपको वचन सिखाएगा ना आपको यहाँ से सुना यहाँ से निकल जाएगा, स्मरण नहीं रहेगा आपको, आपको वो गिरदे को परमेश्वर बंद कर देता है, फिर उसमें कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, बोया हुआ बीज आपके अंदर नहीं आ पाएगा, आप उधार नहीं पा पाओगे, इसलिए नादाब अभी की क्या किया गया था, योग्य बलिदान नहीं किया रहा, इसलिए उधर क्या था मार का, तीसरा तीसरा क्या है मालूम है, पढ़ो वो क्या किया था, घमंड, पढ़ो इसमें ये वचन में ही पढ़ो, आठ नौ पढ़ो, नौ का आठ नौ जल्दी पढ़ो, ये दो आपको सिखाया था इसलिए आपको मैं नहीं गया, अभी तीसरा मैं आज सिखाऊंगा,
इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया और हारून के पुत्र आरुन का पुत्र लहू को उसके पास ले गए तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबोकर वेदी के सिंगों पर लहू को लगाया और शेष लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया मराठी में तेव्हा अरुणाने वेदी जवळ जाऊन आपल्या पापर्पणाच्या गोरा वधीला मग अरुणाचे मुलगे त्याच्यापाशी रक्त घेऊन गेले तेव्हा त्यांनी आपले बोट त्यांतन बुडवून ते वेदीच्या शिंगांना लाविले आणि ते वेदीच्या पाया पायथाशी ओतिले इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया हारून बलिदान किया पाप बलि के बछड़े को और हारून के पुत्र लहू को हारून का पुत्र उस लहू को उसके पास से ले गए तब उसने अपनी उंगली को लहू में डुबा कर हारून उसी लहू में उस उंगली को डुबा कर वेदी के सिंगों पर लहू लगाया पवित्र स्थान का वेदी के सिंगों पर लहू लगाया बाकी को और शेष लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया देखो हारून उधर पाप बलि चढ़ाएगा उसका लहू कौन ले जा रहा है नादाब अभी अभी दोनों लड़का क्या कर लेता है वो लहू को ले जाता है लहू किसको दिखाता है बताओ परमेश्वर बलि नहीं चाहता लेकिन पाप किया हुआ इंसान उधर क्या करना मरना है मरना बोले तो खून उधर दिखना है ये मर गया उधर की क्या करना है खून दिखना है पाप किया हुआ बलि को मारने के समय उस लहू को कौन ले जा रहा है गवाही क्या है ये लघु ये प्राणी ये पाप क्या हुआ मनुष्य मारा गया गवाही क्या है उस लहू वो लहू को कौन ले जा रहा है ये नादाब और अबीयू ले जा रहा है समझ गया कितनी बड़ा एक पदवी ये बच्चों को परमेश्वर दिया समझ गया याजक राजा याजक बनने के बाद में परमेश्वर हमें पाप में उठाकर बड़ी ऊंचे स्थान पर रखने के बाद में हमारे जीवन में क्या नहीं करना है हम क्या करना है नया करण में देख रहे थे यीशु मसीह हमारे आज भी क्या कर रहा है पिता के सामने लहू लेकर खड़ा ये पापी किधर आ जावे पापी मुझ पर आ जावे ये पापी मेरे पास हो तेरे पाप को क्या करता है लाल रंग करेगा तभी मैं क्या कर देगा श्वेत बना दूंगा आज भी पिता के सामने क्या कर रहा है खड़ा है ये आरोन का पुत्र क्या कर रहा है गवाही के लिए ये पाप किया हुआ मनुष्य क्या किया मर गया है इसके क्या किया है लहू लेकर क्या किया है खड़े है इतनी बड़े काम किसको दे दिया है पुत्र आरण को पुत्र को दे दिया है एक काम किसको भी दिया है गवाही कौन है पाप के लिए एक मेमना मारा गया है गवाही कौन है आज कौन है आज जब हमें हम गवाह है क्योंकि हम कोई मालूम है पाप क्षमा क्षमा कर क्या क्या किया था हमारा पाप किसी प्रकार क्षमा हो गया था आज अमी गवाह है यीशु मसीह के पास गया था यीशु मसीह को और मैं पुकारा था मैं पापी हो मेरा पाप धुलाकर आज प्रिय पुत्र के राज्य में मुझे प्रवेश करके रखता है मेरे पैर के नीचे शैतान क्या क्या है शैतान है मैं तीसरा स्वर्ग में कौन है किसको मालूम है दुनिया को मालूम है क्या मेरे को मालूम है मुझको मालूम है किसको मालूम है मुझको मालूम है क्यों पाप क्षमा का अनुभव मुझको ही मालूम है दुनिया का नहीं मालूम है मैं गवाह है मेरा पाप क्षमा है करके कौन है गवाह मैं है जैसा आरण का पुत्र लहू लेकर जाता था आरण के पास इसी प्रकार गवाह कौन है मैं आज गवाह करने गवाह के लिए हमने कड़ा किया हुआ मैं आज मेरा काम क्या है समझ गया आरोन का पुत्र इसी कारण शायद मेरे लिए क्या बना के रखा गवाह बना कर रखा है मेरे हाथ में मारा हुआ उसी प्राणी का लहू है इसी कारण उसके जीवन में शायद घमंड आने के कारण परमेश्वर उधर क्या किया है मारा है इसी प्रकार आज मैं क्या है पर मैं आज आप कौन है परमेश्वर का परमेश्वर इस संसार में जगत के लिए आके पाप के लिए लहू जगत का पाप के लिए लहू बगाया करके आज मैं और आप गवाह है ना गवाह होने के बाद में ये
से पढ़ो योगा 1:18 परमेश्वर को कभी कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मराठी में देवाला कोणीही कधीच पाहिले नाही, जो एकुलता एक जन्म लेल्या देवपित्याच्या उराशी त्यांनी त्याला प्रकट केले आहे। 14 कसे जरा साथ में बोला, 14 कसे छे येशूने असे कहा, बार बार सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। येशूने त्यांना म्हणाले, मार्ग सत्य व जीवन मीच आहे, माझ्या द्वारे आल्या वाचे पित्याकडे कोणी येत नाही। 8:9 फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे भेजा है देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है। फिलिप त्याला म्हणाला, प्रभु जी आम्हाला पिता दाखवा दाखवा म्हणजे आम्हाला पुरे आहे। येशूने त्याला म्हटले, फिलिपा मी इतका काळ तुमच्याजवळ असूनही तू मला ओळखीत नाहीस काय, ज्यांना मला पाहिले आहे त्यांना मला पाहिले आहे, त्यांनी पित्याला पाहिले आहे तर आम्हाला पित्या दाखवा असे तू कसे म्हणतोस। इधर क्या बोलता है, पिता को कौन प्रकट किया है, पिता को कौन प्रकट किया है, पिता का कवा कौन है, यीशु एकलौता पुत्र, उसका माटी से आया एकलौता पुत्र, क्या क्या है पिता को दिखाया। तो फिलिप्पुस बोलता है, मुझे पिता दिखाओ, पिता को दिखाओ काफी है। वो बोलता है, मुझे जो देखा वो पिता को देखा है, गवाह कौन है, पिता का गवाह कौन है, परमेश्वर कौन है, करके कौन दिखाया, शरीर में आया हुआ उसी यीशु मसीह, पुत्रत्व में आया उसी यीशु मसीह, परमेश्वर कौन है, उनका स्वभाव कौन है, क्या है, वो कैसा है, व्यवहार करता करके कौन दिखाया है, यीशु ने दिखाया है। इसी काम को, इसी गवाह को किसके पास देख गया, 12 चेले के पास देख गया। आज हमको परमेश्वर क्या करके रखा, गवाह बना कर रखा है, हमारे द्वारा ही क्या करना है, हमारे द्वारा क्या करना है, हम यीशु को पहनाना, बपतिस्मा के द्वारा किसको पहना है, यीशु मसीह को पहनाना, किसको दिखना है, हमारे द्वारा यीशु दिखना है, पाप के लिए जो संसार का पाप के लिए जो जीवन दिया उसके लिए कौन गवाह है, मैं और आप गवाह है, समझ गया ना। पापी किसके पास आएंगे, जिधर यीशु दिखता है उधर पापी आता है, यीशु किसके और दिखेगा, इधर यीशु बोलता है पिता को देख, मुझे देख रहा पिता को देखेगा। आज हमारा क्या है, मुझको देख रहा किसको देखना है, मुझको देख रहा किसको देख रहा है, यीशु को देख रहा है, गवाह है मैं, समझ गया, गवाह हमको बना कर रखा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरे पीछे आ जा, यीशु स्वर्ग राज क्या कर सकता है, जा सकता, उतनी उनका नीचे है, मैं यीशु का क्या क्या प्रतिरूप है, मेरे से मैं मेरे द्वारा यीशु प्रकट होता है, वो पूरा क्या करता है उसके इतनी मालूम है। आज हमारा जीवन हमको गवाही परमेश्वर बना कर रखा, लोग पापी लोगों को पाप हो रहा हो संसार में हमें चुन कर रखा ताकि पापी क्या करे, हमको देखे, यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास क्या करे आवे। आज हमारा जीवन किसी प्रकार का है, हम भी क्या करता है, हमारे पास इतनी बड़ा गवाही हाथ में देने के बाद में हम घमंडी जीवन बिता रहा, हम क्या करता है, हम अगर गवाही नहीं बना, अगर हम गवाही नहीं बना हम घमंडी जीवन बिता रहा है, हमारे पास क्या है, घमंड है, मैं क्या पा लिया है, यीशु को पा लिया है, मैं कुछ भी करेगा, मैं अगर घुटने डालेगा मैं यीशु मुझे क्या करेगा, क्षमा करेगा ना, गवाह है हमारे लिए नहीं, तू संसार का ज्योति हो, तू संसार का नमक हो, हमारे लिए नहीं, संसार के लिए, यीशु बोले नहीं बोला तू संसार का ज्योति है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम ज्योति पा लिया है, जब यीशु मसीह को पा लिया उसने खुद ज्योति पा लिया है, यीशु मसीह को मैं पा लिया तो संसार का नमक है, इसलिए बोलता तू संसार का नमक है, तू संसार का ज्योति है, करके क्या किया, इसलिए तू जा, क्या बोलता है, क्या घर में बैठ करके नहीं बोला, तू उसको क्या करना, तेरा मुट्ठी में बंद करके रखने बोला।
है सृष्टि को जाकर क्या करना, सुसमाचार का प्रचार कर, फिर क्या करना है उसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से क्या है बपतिस्मा देकर मैं जो सिखा उसे सिखा। आज मैं क्या जीवन बिता रहा है, आज मैं क्या जीवन घमंडी जीवन नहीं बिता रहा है, मेरे पास यीशु मसीह है उसको कुछ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं घमंडी जीवन नहीं बिता रहा है। याद रखो नादाब अभी हाथ में मारा हुआ पाप बलि होम बलि मारा हुआ और मेमने का प्राणियों का लहू दिया गया था, शायद मेरा हाथ में लहू उस लहू को लेकर वह छिड़काता था, शायद ये लहू तेरे कारण क्या रहता घमंड का कारण उधर मारा गया शायद। आज हम कितने लोग गवाह है, इसलिए 1 तारीख से अब गवाह बनो, अभी जास्ती प्रचार नहीं, अब जास्ती प्रचार नहीं है, आप गवाह बनना है, जाकर क्या करना है यीशु मसीह पहन लिया ना, यीशु मसीह का बपतिस्मा द्वारा पहन लिया ना, देखो आप मुट्ठी में बंद करके रखने के लिए नहीं, आपका काम के लिए यीशु मसीह दिया गया नहीं क्या, आपका पाप पाप क्षमा आपको हो गया है, आप पाप कर करके उधर जाके पुण्य डालने के लिए यीशु आपके पास आप क्या, मेरे पास यीशु मेरे पास श्राप नहीं आएगा, पाप नहीं हमें स्वर्ग पहुंच जाएगा, सबसे बड़ा चीज हमारा सबसे बड़ा हम सबको बोलने वाला तुम नरक जाएगा, मेरे पास यीशु मसीह स्वर्ग जाएगा। याद रखो जब जब तक आप यीशु का गवाह नहीं बनोगे, आप में यीशु मसीह को नहीं देखेगा, आप भी नरक ही जाएंगे। फर्क क्या है, संसार वाला के पास यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, आपके पास भी यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, तो जाएगा किधर, वो नरक जाएगा आप स्वर्ग जाओगे, बताओ परमेश्वर क्या अन्यायी है, उसके पास भी यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, आपके पास भी यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, वो नरक जाएगा आप स्वर्ग जाओगे, नो वो जिधर जाएगा उधर ही आम भी जाएगा। मैं क्या करना मैं पाया लहू का अनुभव मुझको मालूम है, मैं गवाह होगा, मैं गवाह होगा। कितने लोग परिवार छोड़कर बच्चा छोड़कर पत्नी छोड़कर धन दौलत छोड़कर किधर किधर जाके गवाह बनकर मर कर वापस नहीं लौट पाते हैं, गवाह वो खून का ऊपर हम खड़े नहीं है, वो खून का ऊपर आज खड़े नहीं है, हम क्या करते आराम जीवन बिता रहा है, हम क्या कर रहा है बराबर ना, हमको क्या चाहिए समाधान चाहिए, हमको थोड़ा परेशानी आएगा, हमको थोड़ा कुछ तकलीफ आ जाएगा, हम कितने परेशान होते हैं, अब इसके लिए यीशु मसीह का पाया है, आपका परेशान बाहर क्यों दिख रहा है, आपका तकलीफ बाहर क्यों दिख रहा है, इसके लिए यीशु मसीह का पाया है, आपका समाधान ढूंढने के लिए, आपका समाधान ढूंढने के लिए यीशु मसीह का पाया है, क्या वो फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, आपका आपके पास आपके जीवन में फायर आएगा आग पकड़ेगा वो बुझाने के लिए आप रखा है, आपका बीमार चंगाई करने के लिए आपका समाधान देने के लिए आपका चंगाई करने के लिए इसके यीशु मसीह का रखा है। गवाह बन जा, गवाह बन समाधान का देश में ही हम क्या नहीं करना है रहने के लिए नहीं चाहना, परमेश्वर बोलता है समाधान का देश में रहने के लिए क्या नहीं करना है, यरदान आने वो वचन पढ़ो ऐसे खेलना ऐसे खेलना पढ़ो ऐसे खेल तेरे भविष्य दत्ता खंडरों में की लोमड़िया के समान बने हैं, तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। हे इज़राइला, तुझे संदेश ते ओसाड जागी असलेल्या कोल्यान सारखे झाले आहे, परमेश्वराच्या दिवशी युद्धाला तोंड देण्यास तुम्ही किडारांत उभे राहत नाही आणि इस्रायल घराण्याच्या तट तुम्ही नीट बांधून काढत नाही। देखिंची मैं वापस पढ़ो। हे इस्रायल तेरे भविष्यदत्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं, लोमड़ियों के समान बना है, तुमने दरारों में चढ़कर इस्रायल के घर
सुधारी जिससे वे यहोवा के युद्ध दिन में युद्ध में स्थिर रह सकते। यहोवा का युद्ध का दिन में आप परमेश्वर का बाढ़ जोते हैं उनके पास जाने के लिए, युद्ध का दिन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना है? नाके में खड़ा रहना, क्या करना है? और एक क्वेश्चन है ना उसमें, नाके में खड़ा रहने वाला क्या कर रहा है? हमें परमेश्वर नाके में नहीं खड़ा रहता है, उसके लिए क्या बताया जाता है? ये लोमड़ी तरार में ना निर्जन प्रदेश रहने वाला क्या है? लोमड़ी कहता है किसको? किसको? भविष्यवक्ता। याचक कौन है? कौन है भविष्यवक्ता? अलग याचक सब कौन है? अलग है, अलग है। ये चीज क्या है? ये सब क्या है? बाइबल है ना सबके हाथ में, ये सबके हाथ में है ना, ये चीज क्या है? क्या है ये पूरा क्या लिखा गया है? भविष्यवाणी की बात है ना, ये हम पाए के नहीं पाए हैं, क्यों पाए? इसलिए ना पाता नहीं है बोल देगा, पाए के नहीं पाए हैं। हम भी कौन है? हम भी कौन है? भविष्यवाणी, अरे भविष्यवाणी सब कौन है? लोमड़ी है। क्यों लोमड़ी? पढ़ो उसकी भी पढ़ो, तरार में खड़े रहने वाला को मैं, नाके में खड़ाने वाला को मैं ढूंढता हूँ। नहीं मिला, परमेश्वर बोलता है जल्द नहीं मिला तो मिलने वाला, तुम्हें नाक में खड़ा रहने वाला को मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ढूंढता हूँ। ये तुम्हें क्या नहीं कर रहा है? नाके क्या है? नाका क्या है? नाके में खड़ा रहने वाला को ढूंढता हूँ। ये की कभी क्या नहीं कर रहा है? नाके क्या है? परमेश्वर का क्रोध आने वाला जगह, परमेश्वर का क्रोध आने वाला जगह में ढूंढने खड़ा रहने के लिए क्या करता है? परमेश्वर ढूंढता है। हमको क्यों परमेश्वर नियुक्त किया है? परमेश्वर हमें क्यों याजक बनाया, राजा बनाया है? नाके में खड़ा रहने वाला क्या करना है? मतलब परमेश्वर इसी संसार को नाश करने वाला है, कितने लोग का नाश करने वाला है, उसी पर क्या करना है? करना है हम खड़े रहना। इसलिए बोलता है कितने लोग पाप में पड़े हैं, उसके में परमेश्वर क्रोध है, उसको क्रोध का ठंडा करने वाला क्या करना है? वो आने के लिए परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? नियुक्त क्या है? मोसे को परमेश्वर नियुक्त किया, मोसे क्या कर देता था? हर बार इसराइल को ऊपर परमेश्वर विपत्ति डालने के लिए जाता था, परमेश्वर नाश करने के लिए जाता था। मोसे क्या करता था? मोसे, प्रभु आप इसराइल को मारेगा तो पहले मुझे क्या करना है? मारो, फिर उसको मारो। प्रभु इसराइल को खत्म करता तो पहले मेरे नाम को आपके जीवन के किताब से क्या करना है? खत्म करने बाद, निकालने बाद इसराइल को मारो। परमेश्वर का क्रोध आने वाले जगह में खड़ा रहने के लिए हमें क्या कर दिया है? खड़ा किया परमेश्वर, लव से खरीदवा कर क्या क्या है रखा है, यही गवाही अमर जीवन में होना है। मैंने उसमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, जो बाड़े को सुधारे, बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। देखो नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। पढ़ो मराठी में, मी भूमिचा करू नाश करू नये। ऐसे केल 22:30। मी भूमिचा नाश करू नये। मैं भूमिचा नाश, भूमिचा बोले तो भूमि में रहने वालों को नाश ना करना है। म्हणून तिच्यांतला कोणी तट बांधेल, तट बांधेल, कोणी मज समोर देशासाठी तट्टाच्या खिडीत उभा राहील, की काय यांची मी वाट पाहिली पण मला कोणी आढळला नाही। कोणी आढळला नाही? हिंदी में पढ़ो। मैंने उसमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उसमें ऐसा मनुष्य ढूंढने लगा, जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, देश के निमित्त, देशवासियों के निमित्त, पापियों के निमित्त, जिसके ऊपर मेरा क्रोध पड़ा उनके निमित्त नाके में खड़ा रहने वाला को मुझे उसका नाश न करना पड़े। ढूंढा ताकि उसका नाश नहीं करना पड़े। हमको क्यों नियुक्त किया है? कितने लोगों को परमेश्वर का क्या गिरा है? क्रोध है। कितने लोग नाश के लिए रखा गया है? उसके लिए, उसके लिए रोने
है, नित्य करके रखा है। लेकिन आज हम क्या कर लेता है, हमको समाधान चाहिए, हमको क्या कहते हैं शांति चाहिए, हमको आशीष चाहिए, हमको चंगाई चाहिए। वचन बताता है लोग चंगाई छुटकारा नहीं चाह, क्या अच्छा विश्वासी क्या नहीं करता है, अच्छा विश्वासी क्या नहीं करता है, अच्छा विश्वासी क्या नहीं करता है, चंगाई नहीं चाहेगा। चंगाई के लिए बुलाया गया है क्या, तो वो हमको वो दे दिया ना, फिर वापस वापस उसके अंदर आपके कुलंडी मारना है। आपको पाप क्षमा है, आपका ऊपर अनुग्रह है, आपको बीमारी मार्ग ऊपर आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हो गया खत्म। लेकिन आज क्या कर रहा है, थोड़ा भी समस्या आएगा, विश्वासी क्या कर लेता है, उसी आपका समाधान के लिए आप क्या कर लेता है, ढूंढता है। आप कोई किसका कर्म, कोई कोई विश्वासी कर्म जाए ना, उसका ही गाना चालू रहेगा, मेरा पति ऐसा, मेरा पत्नी ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा पत्नी लड़की ऐसा, मेरा लड़की जैसा, यही क्या करता, तुम्हारा ही समाधान तुम ढूंढ कर बैठने के लिए, तुमका परमेश्वर ने उसे कर दिया है। इस संसार में क्या करता क्लेश है, जब तक ये संसार में ये पापरा संसार में हम रहते ना, समस्या सबके जीवन में है। लेकिन संसार का जीता हुआ यीशु को पाया हुआ हम हमारा समस्या का समाधान के लिए हम बैठे, समझ रहे पाप, आपको समझ रहे, इसने पहले बोल दिया मैं पवित्र है, परमेश्वर तो अलग है, इसने पहले बोल दिया है, पहले तेरा पत्नी एक दिन झगड़ा करेगा ना, चार दिन झगड़ा करेगा तेरे से, किस कभी यीशु मसीह का ग्रहण करने का बोल, और एक सीसी बाटल पिएगा दारू चार बाटल पिएगा, यीशु को ग्रहण करने बाद मंजूर है, यीशु को क्या करना ग्रहण करना, मैं पवित्र है, इसलिए बोलता है मैं अलग है। संसार में तुमको स्ट्रांग करने के लिए नहीं आया, संसार से तुमको क्या करने के लिए आया, संसार परमेश्वर जितने लोग ग्रहण किया उसे अलग करके मेरे पास ले आने के लिए आया मैं, जैसे तुमको संसार में, इसलिए उसका समाधान ढूंढने के लिए तुमको क्या नहीं किया है, बात समझ रहे ना, उसके लिए नहीं रखा है, हमारे लिए क्या है, नाश नाश होने वाला के पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, उसी का द्वार पर खड़ा रहने के लिए हमको परमेश्वर नियुक्ति किया, परमेश्वर बोल रहा है यह कि कभी मैंने देखा, बराबर है, किसको देखा 15 साल से, किसको देखा कलसिया के अंदर, परमेश्वर 15 साल से कलसिया में किसको रखा, मेरा क्रोध इसके जीवन में पटक लगा, इसके जाकर क्या कर बता, बता उधर जाकर यीशु मसीह का दिखा, आज तक हम क्या नहीं है, आज तक हमारा समस्या, मेरे लिए समाधान चाहिए, मेरा घर दर अच्छा रहना चाहिए, मेरा काम धाम अच्छा रहना चाहिए, मेरा बच्चे सब अच्छा समाधान से रहना चाहिए यीशु मसीह के साथ, यही हम चाहते हैं। नो, वचन बता रहा, वचन बता रहा, एक वचन पढ़ो, श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय दूसरा वचन, जैसे सोशल फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसा ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है, अरबी में कांटेरी जुड़पा मध्ये जसे भुई कमळ तशी इतर युवती मध्ये माझी सखी आहे, और हिंदी में पढ़ो, हिंदी में जैसे सोसन फूल, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरा मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। इधर क्या बोलता है, जैसा शोषण फूल क्या करता है, शोषण फूल किधर उगता माल में, तराई में, खाटीले पेड़ रहता है ना, खाटा खाटा भरा हुआ पेड़ रहता है ना, जाड़े रहता है ना, वो झाड़ के बीच में से कौन निकलता है, शोषण फूल रहता है, हवा हवा में वो खाटा क्या कर लेता है, वो शोषण फूल के ऊपर क्या करता है, इधर से हवा आएगा ना, वो कांटा का पेड़ किस में लगता है, शोषण फूल के ऊपर लगता है, उधर लगने टाइम थोड़ा क्या करता है, उसका फूल सब फट जाता है कांटा, इधर से हवा आने टाइम इधर लगता है, ये साइड का फूल का पूरा पंखुली, वो क्या बोलते हैं उसका पंखुली, पूरा उसमें लगकर फट जाता है, उधर से हवा आएगा कांटा क्या करता है, उधर से मारता है, इधर से हवा आएगा इधर से मारता है, बीच में क्या क्या शोषण फूल रखा गया है, वैसा ही किसको भी रखा गया है, मेरा प्रेमी मेरा प्रिय तुम भी, तुमको किधर रखा गया है, खटीले झाड़ों के बीच में ये रखा गया है, इधर से भी तुमको मार, इधर से भी मार, इधर से भी मार, उधर से भी मार, लेकिन उतना भी मार मिलेगा ना, वो शोषण बुरा ना, वो तराई बुरा, जितना खाटा उसको फाड़ता ना, उतनी क्या करता सुगंध फैलाता, जिस प्रकार मैं
चाहिए हमको, जिस जिस को नहीं रहना है सब भागो। परमेश्वर इसलिए बोलते मैं पवित्र खातों का बीच में ही तू रहना पड़ेगा, तभी क्या करेगा तुम्हारा सुगंध फैलेगा। जितने खाते का अंदर रहता है, जितना समस्या, जितना परेशान, जितना बीमारी के अंदर एक सही विश्वासी रहता है, उसी के द्वारा क्या फैलता है, परमेश्वर का नाम फैलता, महिमा होता है। चाहिए रहो, नहीं तो क्या कहना है, समाधान का बात है नहीं। आपको सब पहले सिखा है, समाधान नहीं देगा, तलवार चलाने के में आया, वचन वही बोल रहा है ना। दसवां मत्ती दसवां क्या बोलता है, क्या बोलता है, समाधान देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह का ग्रहण करेगा ना। तू 5 जन ये करने रहेगा, उधर 2 पार्टी बन जाएगा, एक परमेश्वर का पार्टी, एक शैतान का पार्टी बन जाएगा। मन चूर है, क्या करना है, यीशु के साथ आना है, फिर उसके बाद में बैठकर क्या नहीं करना है, गीत नहीं बोलने का, मेरे को परेशान है, मेरे को समस्या है, मेरे को ये वो या, हाँ समस्या है, घाटे के बीच में तुमको रखेगा, घाटे तुमको हर समय फाड़ेगा। तभी मंसूरा क्या करना है, मंसूरा क्या करने का, रमेश बराबर है, 10 दिन काम मिलेगा, 20 दिन नहीं काम मिलेगा, मंसूरा क्या करना है, चलना पड़ेगा हमको ये संसार में, हमको क्या नहीं करेगा, उधर रह कर हम क्या करना, परमेश्वर पवित्र है जानना भी, क्या करना फैलना भी है, इसलिए क्या नहीं करना है, हमारा समाधान के लिए परमेश्वर तुम्हें चुना नहीं, मुझे चुना नहीं, बात समझ रहे ना, नहीं चुना है, इसलिए हमको बोला जा जा, लोग नाश में जाने वाला लोग के लिए क्या कर, मेरा क्रोध जिधर उंडेलता ना उधर वो नाके में तू खड़े हो जा, लोग बच जाएंगे, लोग क्या करेगा, बच जाएंगे। कितने लोग इंतजार कर रहा है, परेशान में लोग आएंगे, परमेश्वर का पुत्र आएंगे, हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा, लेकिन हम क्या कर देता है, हमारा सुविधा, हमारा समाधान के लिए हम जीते हैं, मेरे को समाधान दे, मेरा बीमार से चंगा कर, मेरा शैतान से छुटकारा दे, ये कर वो कर, हम लिस्ट बनाकर हम बैठे हैं, नहीं, समाधान के देश में हमको क्या नहीं किया है। पढ़ो एक वचन, आज को खत्म कर लेता है, यिर्मयाह 12:5 जल्दी पढ़ो। तू जो प्यादों ही के संग दौड़ कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा, और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। मराठी में, तू पायी चालना बरोबर धावताना थकलास तर घोड़ा स्वारा बरोबर कसा टिकशील, शांततेच्या देशांत तू निर्भय आहेस पण यार्दनीच्या घोर अरण्यांत तू काय करीशील। हिंदी में तेरा कितनी अच्छे वचन, तू जो प्यादो ही के संग दौड़ कर थक गया है, प्यादो के संग, प्यादो बोले तो जो चल रहे ना आराम से चल रहे ना, उसके साथ चलने के लिए अभी आराम है हमको, क्या विश्वास है हमको, क्या है संडे संडे आने का, बैठने का, थोड़ा सुनने का, फिर क्या करने का, हमारे लिए खाना भी रेडी है, आराम से जाके लेटने का, फिर क्या करने का, उठने का, पढ़ने का, और अगले संडे आपका भी बहुत आराम है। सब प्रार्थना करने के लिए हमको क्या है, कैसा भी सिस्टर है क्या करेगा, प्रार्थना करेगी, कैसा भी रहोगे नहीं रहेगा तो आएगी ढूंढेगी, चार डांटे को तो भी क्या करेगा, कल्ले लगा देगी, करेगी ये सब। अभी हम क्या है, बहुत आराम है, आराम में भी फिर भी आपको आराम नहीं, इतना होने के बाद में भी, प्यादों पर चलने के बाद में भी, पैदल पर चलने वाला से भी आपको क्या नहीं आराम नहीं है। फिर से बोल, फिर से, तू जो प्यादों ही के संग दौड़ कर थक गया है, फिर भी थक गया, बहुत लोग क्या है, बहुत विश्वासी आदमी जो मैं क्या किया है, बहुत विश्वासी थक गए, मैं बहुत चल पड़ा, बहुत प्रार्थना किया, भाई साहब थक गए, थक पड़ा तू भी, थक पड़ा तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। विश्वासी आपको पैदल नहीं, अभी क्या करने का, जनवरी से लेकर, जनवरी से लेके क्या करना पड़ेगा, घोड़े के संग भाग सकते हैं, भागना, घोड़े के संग क्या करने का, आने नहीं, नहीं भागना, ये लिया भागा क्या नहीं, फिर उसका आत्मा अलग हमारा आत्मा अलग, भागो अभी क्या करने का, अभी क्या कर, अभी जनवरी से संडे ही आराम नहीं रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, अभी आप काम करो, अभी क्या करेगा, अभी क्या करना है, आप एक एक जन काम करेगा, या शैतान का मुंह या स्वर्ग दो, अभी बहुत दिन हो गया ना, बहुत हम क्या करते हैं, चावरी में दाखलदा और अंचित के छाव में बैठकर हम क्या करेंगे,
बैठकर भी आपको परेशान है, बैठकर भी क्या है परेशान है, वो नहीं ये नहीं है, इसराइल का सामान, इसराइल को मनमाना भोजन देने के बाद में भी चिकन नहीं, मटन नहीं है, मच्छी नहीं मिल रहा है, बहुत ये क्या है परेशान है, समझ गया परमन्ना परेशान है। अभी अभी परेशान क्या करना पड़ेगा, अभी आराम थोड़ा क्या करना है निकले, इसलिए क्या कर रहा है पैदलों से चलने वाला तू तक जाएगा तो तू घोड़े के साथ क्या करने वाला है, बराबरी क्या करना पड़ेगा, हाँ अभी भागना है। यद्यपि यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी बस हो गया समाधान, समाधान का देश ही हमको छाई करके हम क्या करता है घुस कर हम बैठे रहते हैं, कलिसिया का अंदर से बाहर निकालने की किसी को भी क्या नहीं है, किसी को भी मन नहीं है। सवेरे क्या करना है आराम से 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, नाश्ता खाना, 12 बजे 1 बजे खाना, यही हमारा अभी क्या हो गया प्रार्थना ने सब हो गया, अभी बस आगे पढ़ो, अभी क्या करना पड़ेगा, जनवरी से लेके इधर बैठने क्या, खुद क्या करने का, खुद यर्दन का घने जंगल को क्या करना पड़ेगा, ढूंढ कर जाना, नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या एक ही जगह सुसमाचार बताना आसानी है, आसानी है, लोग अच्छे हैं लेकिन उसका अंदर वास करने वाला कौन है, फाड़ खाने वाला शेर है, कभी कभी क्या करेगा, कभी अभी क्या बोलेगा, यीशु को भी मालूम है तुमको भी मालूम है, यीशु को भी मालूम है तुमको भी मेरे को मालूम है, बराबर ना, तुम्हारे पास पहला समझ जाना कि यीशु मेरे पास आई क्या, वो पूछता वो बोले मतलब क्या है, तू खाली नाम बोलता तेरे पास यीशु है, यीशु तुमसे दिख रहा है, तू मेरे पास आके बोलता है मैं तो कौन है, फाड़ खाने वाला शेर है, यीशु तो छोड़ देगा मैं क्या करेगा, कहना जंगल में जाना ये या हम या शैतान, वो तो भी जीतना है ना, नहीं बराबर ना रमेश, या मैं जितना नहीं तो शैतान जी, बराबर ना, नहीं तो क्या नहीं करना है, और याजक का पिछले दिन भी सुना था है ना, याजक का क्या किया था, वस्त्र भी क्या नहीं किया, शैतान की ये नहीं है, शैतान को सबसे बड़ा मार्ग है परमेश्वर किसके पास है, वह समझता है नहीं समझता है, लोग अच्छे हैं उसके अंदर वास करने वाला पाड़ खाने वाला शेर बराबर आपको पहचान लेगा, क्या करें घन ढूंढ कर जाओ, इधर शेर है, यर्दन का घने जंगल में कौन रहता है, शेर रहता है, क्रोकोडिल उसकी क्या बोलते मगरमच्छिया, मगरमच्छिया मगरमच्छिया पानी के अंदर चिपके रहता है, समझ गया ना, दिखेगा नहीं, जब भी पानी के अंदर पैर डालेगा ना मुंह रख के खींच लेगा, बराबर हमारा पैर चट्टान में तो वो मुंह रखेगा तभी खींचेगा नहीं, बराबर मेरा पैर चट्टान में मजबूत किया रहेगा, यीशु मसीह में मजबूत है मेरा पैर को, वो महर्मचिया की मुंह रख के खींचेगा तभी क्या नहीं करेगा, हिलेगा मेरे पैर नहीं हिलेगा, मेरा पैर किधर मजबूत किया गया है, मेरा पैर में जूता है, लेगा एक बार जूते के बारे में आए तो प्रभु देखेगा मेरे पैर में क्या है, जूता है, नहीं तो क्या करेगा, क्या करेगा, देखो बिना पैर बिना चप्पल के पैर से किधर फिसल वाले पानी में जाके खड़े रहो, फिसल वाले जगह पत्थर में क्या करता है, फिसलता, चप्पल में क्या रहता है, मतलब नीचे क्या रहता है, हाँ ग्रिप रहता है, ग्रिप क्या करता है, संभालता, समझ गया, तो चट्टान पर है मेरे मगरमच्छ, तू किधर भी छुप कर रहेगा ना, कितना गोल में जाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, अगर पैर चट्टान में नहीं है रखेगा खींच के क्या करेगा, बीच नदी के अंदर ले जाएगा, अच्छी सी काट के क्या करेगा, बात समझ रहा है, समझ रहा ना, फाड़ खाने वाला आएगा तो मेरे यहूदा का शेर मेरे पास रहेगा, मैं लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ाई जीता जीता ही आ रहा है, शैतान के सर को ए
आप क्या क्या है उसमें बना है तो नहीं तो क्या किया जाएगा। यीशु को भी मालूम है, तुमको भी मालूम है, हाँ हम लड़ेंगे। बात समझ रहे ना? फिर क्या करना हमको, हम कैसे जीवन बिताते हैं? कमंडी जीवन आगे लेगा इसका कंटिन्यू। आप ये इंट्रोड्यूस दिया था, अगले हफ्ता इसका कंटिन्यू गमंड कर समझिया। हम आज क्या करता है, यीशु मसीह को गवाही बनने के जीवन पर, जीवन यीशु मसीह के दिखाने में जीवन छोड़ के हम हमको दिखा रहे। कमंड क्या है मालूम है? कमंड क्या मालूम? हम खुद को दिखाते हैं ना, ये गमंड, हम खुद को दिखाते हैं ये गमंड। आज यीशु नहीं दिख रहा, मैं कौन दिख रहा है? कमंड जीवन है। इसके कारण क्या मिलता है मालूम है? मार। पवित्र स्थान में क्या करेगा परमेश्वर? ऊपर से मार दे। हम क्या करना आज कुछ नहीं डाले, प्रार्थना कुछ नहीं, प्रार्थना I'm here to hold you. Rukna.